निजामबाद जिले के कमरपल्ली मंडल के 30 से ज्यादा अफराद जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी, एक डीसीएम वैन में सवार कमरपल्ली से बड़ा पहाड़ की सिम जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। इस खौफनाक दिल दहलाने वाले हादसे में दो अफराद की मौत हो गई और मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को सरकाधौना निजामबाद में शरीक करवाया गया। इनमें से बास को मामूली से जख्म आए, लेकिन बास खवातीन को संगीन और नाजुक जख्म आए हैं। बास के सर में चोटें आईं तो किसी के पैर या हाथ या फिर जबड़ों में फ्रैक्चर आया। एक खातून की रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर आने की डॉक्टर्स ने इतला दी। उन्होंने बताया कि स्कैनिंग के बाद ही कोई हतमी रिपोर्ट दी जा सकती है। तफसीलात के मुताबिक ये खानदान न्यास के लिए कमरपल्ली से बड़ा पहाड़ की सिमट जा रहा था कि डीसीएम वैन जिसमें वो सफर कर रहे थे बेकाबू होकर उलट गई। बताया गया कि इस वैन का ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसकी वजह से वो डीसीएम पर काबू बरकरार न रख सका और डीसीएम वैन बेकाबू होकर उलट गई और वैन में सवार 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए जिनमें खवातीन की अक्सरियत है। खुशकिस्मती से कम सिन बच्चे महफूज रहे और उनको मामूली सी चोटें आईं, मगर ये बच्चे बहुत घबराए हुए थे। इतला के मुताबिक मुकाम हादसे पर ही एक शख्स डीसीएम वैन के नीचे दबकर हलाक हो गया, जबकि एक शदीद जख्मी खातून सरकाधौना निजामबाद में इब्तदाई इलाज के दौरान ही जख्मों से जान बर ना हो सकी। इतला मिलते ही सरकाधौना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रीति महाराज फौरी सरकाधौना निजामबाद पहुंची और पूरे स्टाफ को हंगामी ड्यूटी पर तलब कर लिया। डॉक्टरों और तिब्बी स्टाफ ने मेहनत व जानफिशानी से जख्मियों को इब्तदाई तबी इलाज फराहम किया, लेकिन स्कैनिंग के मामले में सरकाधौना का स्टाफ बेबसी का शिकार था। इतने बड़े दवाखाने में बर वक्त स्कैनिंग की सहूलत न होने की वजह से इस मल्टी स्पेशलिटी जिला हेडक्वार्टर सरकाधौना की असली हकीकत का बांडा फूट गया। बहरहाल अभी कोई बात कतईयत से नहीं कही जा सकती कि इस सरकाधौना में कौन सी सहूलतें मौजूद है और कौन सी नहीं है, लेकिन इस बात की सताइश तो लाजमी करनी है कि सरकाधौना का अमला पूरी चौकसी व तुंदही से इलाज करता हुआ और मुमकिन जद्दोजहद करते हुए जख्मियों को राहत फराहम करते हुए देखा गया, जिसकी वहां मौजूद लोगों ने जबरदस्त सताइश की। कमरपल्ली से बड़ा पहाड़ जाने वाले 30 से ज्यादा अफराद जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे हादसे का शिकार हो गए और वो डीसीएम वैन जिसमें ये लोग सफर कर रहे थे वो बेकाबू होकर उलट गई, जिसकी वजह से बेशुमार लोग जिनमें खवातीन की अक्सरियत है शदीद जख्मी हो गए, जबकि हैरत अंगेज तौर पर कमसिन बच्चे महफूज रहे और उनको मामूली से जख्म आए। इस हादसे में एक मर्द और एक खातून की मौत हो गई। मर्द की मुकामी हादसे पर ही उलटने वाली वैन के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि जख्मी खातून दौरान इलाज सरकाधौना निजामबाद में फौत हो गई। इस खौफनाक दिलखराश हादसे की इतला मिलते ही हल्का पार्लियामान निजामबाद के बीआरएस के उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन फौरी सरकाधौना निजामबाद पहुंचे। चकत्याल में इंतखाबी मुहिम चलाकर थके हारे निजामबाद आए हुए बाजीरेड्डी गोवर्धन अभी सोने की तैयारी कर रहे थे कि उनको इस खौफनाक हादसे की इतला मिली, जिस पर वो फौरी रात करीब 12 बजे सरकाधौना निजामबाद पहुंचे। उस वक्त जख्मियों को मुकाम हादसे से सरकाधौना लाया जा रहा था। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने तमाम जख्मियों का जायजा लिया, हवास में मौजूद जख्मियों से बात की और तफसील मालूम की। कमसिन बच्चों के करीब गए, उनके सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी और प्यार से उनको हौसला दिया। जख्मियों के अफराद खानदान से भी मालूमात हासिल की। सरकाधौना निजामबाद की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पितरोराज से भी जख्मियों के मुतालिक इस्तफसार किया और बाद जख्मियों के लवाहीन की जानिब से खानगी दवाखाने से रुजू होने की इजाज़त देने की उन्होंने ख्वाहिश की। इस मौके पर बाजीरेड्डी गोवर्धन ने इस दर्दनाक हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और लापरवाह खाती ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने रियासती हुकूमत से फिलफौर जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके अफराद खानदान को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और शदीद जख्मियों को 5 लाख रुपये और मामूली जख्मियों को 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने नशे में ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त तरीन ट्रैफिक कवानीन का भी मुतालबा किया। उन्होंने तयकुन दिया कि ज़रूरत पर शदीद जख्मियों को नीम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए
वह और उनकी पार्टी ब्यारस मुमकिनात ताउन करेगी। इस मौके पर इनके हमरा सीनियर जर्नलिस्ट जमाल पुरगर्नेश, मोहम्मद इमरान ब्यारस यूथ लीडर और नदीम अहमद समाजी कारकुन भी मौजूद थे। तीस लोग आ रहे थे, तो 30 लोगों को जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइवर नेग्लिजेंस से मुझे पलट गई गाड़ी। पलटने की वजह से दो मेजर एक्सीडेंट होके औरत मर गए, अंदर डेड हो गए। बाकी थोड़े लोगों को हेड इंजरीज हुआ, थोड़ा मेजर इंजरीज हुआ, और थोड़े बाकी लोगों को छोटे छोटे मारा पड़ी। तो मैं वैन से बात करा, मैं पेशेंट्सों को देखा, मैं डेडवेस हो पेशेंट्स है वो लोग भी सरकार की तरफ से उन लोगों को 10-10 लाख रुपये नुकसान जो हुआ वो सैंक्शन करना चाहिए सेम रिफंड। और जो है जो मारक है मेजर इंजरी हुआ उन 5-5 लाख रुपये, और जो है माइनर इंजरीज जो हुआ उन लोगों को 1-1 लाख रुपये सैंक्शन करना चाहिए। मैं डिमांड कर रहा हूँ और मैं कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, एसमेंट से बात कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट चालू है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी लोगों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अगर कोई प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं ट्रीटमेंट के, मैं एसमेंट से बात कर रहा हूँ, उन्हें कांसल भी दिया। अगर मर्जी अगर अगर चाहे तो यहाँ ट्रीटमेंट की जरूरत से ज़्यादा होना है पेशेंट्स को, एग्जाम्स को भी एम्स को जाने की कोशिश करते हैं, बड़ा हेल्प करते हैं और पार्टी भी हेल्प करते हैं टीआरएस पार्टी। मैं इन डॉक्टरों को भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा कर। और जो नेग्लिजेंसी जो करा ड्राइवर पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन लेना चाहिए, और क्योंकि ऐसा आइंदा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हीकल में जा रहे व्हीकल का कंडीशन क्या है, ड्राइवर का कंडीशन क्या है, पूरा देखना आरटीओ का फर्ज है। निगलियर से वो सो एक्सीडेंट है, इसलिए उसका ओन है, उसका गलती है, उसको सीरियसली एक्शन लेना। थैंक यू।